हेलो दोस्तों, मिस्टेरियस हिस्ट्री 91 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी साहसिक कार्यों में रुचि रखते हैं तो आपको भी इस किले को देखने ज़रूर जाना चाहिए। दोस्तों, आज हम जिस रहस्यमय किले के बारे में बात करने वाले हैं उस किले का नाम है कलावंती का किला, महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, इस किले को देश का सबसे खतरनाक किलों में से एक गिना जाता है। यह फोर्ट अपनी खतरनाकता के लिए मशहूर है, फिर भी लोग यहाँ ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं। यह 2300 फीट ऊंचा है। इसके अतिरिक्त इस किले की चढ़ाई में केवल पतली सी सीढ़ियाँ हैं और दोनों तरफ खाई है जहाँ इंसान का पैर फिसलने की संभावना होती है। दोस्तों, अगर इस किले के इतिहास पर हम नज़र डालते हैं तो इस किले का निर्माण बहमनी सल्तनत के समय में पनवेल और कल्याण किले की नज़र में रखने के लिए किया गया था, लेकिन 1458 ईस्वी में अहमदनगर सल्तनत की हार के बाद यह किला छीन लिया गया। कहा जाता है कि कई लोगों की मौत इस किले में हुई है। पहले इस किले का नाम मुरंजन किला था, लेकिन जब छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में इस किले का नाम बदलकर रानी कलावंती किला कहा जाने लगा। यहाँ लोग देश और दुनिया भर से इस किले को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, बारिश के मौसम में यहाँ आना अत्यंत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि रास्ते चिकने हो जाते हैं और एक गलती जानलेवा साबित हो सकती है। दोस्तों, इस किले का अंदाज़ा इस बात से ही लग जाता है कि यहाँ सीढ़ियों के बराबर में न तो रेलिंग है और न ही कोई रस्सी। लोग इन सीढ़ियों पर एक एक कदम चढ़ते हैं, उतरने में तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है, छोटी सी गलती से जान जा सकती है। शाम होते ही यहाँ हल्की ठंडी भी लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यह किला चारों तरफ से एकदम खुला है और ऊंचाई पर है। दोस्तों, यह किला इतना खतरनाक है कि इस किले को मौत का किला के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।